मध्य प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक कार्टून पोस्ट कर तंज कसा है, साथ ही नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने कार्टून के जरिए भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है। वो कार्टून भी आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए जो है निशाना साधा गया है भूपेश बघेल पर। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्टर शेयर किया। तो इधर बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के पोस्टर को स्तरहीन बताया। तो स्तरहीन बताया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान सामने आ रही है और बयानों के जरिए जो है अब सियासत गर्मा गई है। पोस्टर स्तरहीन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सलियों नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा दायित्व है।